नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई एक बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना नियम 134A इस साल बंद कर दी गई है, परंतु फिर से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना, जिसे चिराग कहा जाता है, शुरू की गई है। 134A योजना की तर्ज पर चिराग योजना में भी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र इस योजना में दूसरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा में प्राइवेट विद्यालयों में फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के तहत बच्चों का दाखिला करने के लिए सहमत विद्यालयों की जानकारी मांगी गई थी और प्रदेश के 381 विद्यालयों द्वारा इसकी सहमति भी जताई गई है। यानी कि इस योजना के तहत दाखिला न करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को अब शिक्षा विभाग बाध्य नहीं कर सकता। जिन स्कूलों ने इस योजना के तहत दाखिले के लिए सहमति जताई है, केवल उन्हीं स्कूलों में एडमिशन हो सकेगा। दोस्तों, यह वीडियो केवल 6-7 मिनट का ही होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इस योजना के तहत आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। यह योजना आज से यानी कि 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गई है। इसमें आप आज से ही आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए पहले जान लेते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी पात्र होंगे। इस योजना में केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा सरकारी विद्यालय से पास की है। इसके लिए पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। जिन छात्रों की पारिवारिक सालाना आय 1,80,000 या इससे कम है, वही छात्र इसके लिए पात्र होंगे। यह इनकम परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड होने पर ही मान्य होगी। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं आपके परिवार पहचान पत्र में फैमिली इनकम वेरीफाइड है या नहीं, यदि वेरीफाइड है तो कितनी इनकम वेरीफाइड है, इसके लिए आप हमारे चैनल पर इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने मोबाइल पर ही पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इस योजना के तहत दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों, यह योजना आज यानी 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसमें 8 जुलाई तक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। छात्र केवल अपने खंड के स्कूल में आवेदन कर सकते हैं और एक से अधिक स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद यदि आवेदनों की संख्या विद्यालय में दर्शाई गई संख्या से अधिक होगी तो 11 जुलाई को अभिभावकों की मौजूदगी में लॉटरी ड्रॉ निकाला जाएगा। 12 जुलाई से 21 जुलाई तक सभी स्कूल दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने पर विद्यालयों की तरफ से छात्रों की जानकारी MIS यानी कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं इस योजना में आवेदन कैसे करना है। इस योजना में आवेदन आज यानी 1 जुलाई 2022 से खुल गया है। हम आपको यहाँ पर एक फाइल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फाइल के पहले पेज पर योजना से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, जो हमने आपको पहले ही बता दी है। इस फाइल के दूसरे पेज पर एक फार्म दिया गया है, इसे प्रिंट करवा लें और इस फार्म पर मांगी गई सभी जानकारी ब्लू पेन से साफ साफ फिल करके उस स्कूल में जमा करवा दें जहाँ पर विद्यार्थी का दाखिला करवाना चाहते हैं। आप किन किन स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं और स्कूलों में कितनी कितनी सीटें उपलब्ध हैं, पूरे राज्य की लिस्ट इसी फाइल में नीचे की ओर दी गई है। यह फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। चलिए हम फटाफट बता देते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पर छात्र का लेटेस्ट फोटो चिपका दें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर SNR नंबर यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, जो कि छात्र के स्कूल से ले सकते हैं। यहाँ पर उस स्कूल का नाम भरें जिसमें दाखिले लेना चाहते हैं। स्कूल लिस्ट की जानकारी वीडियो में आगे मिलने वाली है। यहाँ पर विद्यार्थी का पूरा नाम कैपिटल अक्षरों में लिखें। यहाँ पर फादर का नाम लिखें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिखें। अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखें। विद्यार्थी का आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र यहाँ पर लिखें। यहाँ पर परिवार की सालाना आमदनी लिख दें। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें और यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो वह भी यहाँ पर लिख दें। इस फॉर्म में यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यदि स्टूडेंट्स EWS श्रेणी में आता है तो यहाँ पर यस पर टिक कर दें, वरना नो पर टिक कर दें। और यदि यस पर टिक करेंगे तो EWS सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना होगा। यहाँ पर विद्यार्थी के वर्तमान सरकारी स्कूल का नाम और पता लिखें और वह स्कूल जिस खंड में पढ़ता है उसका नाम यहाँ पर भर दें।
यहाँ पर विद्यार्थी का नाम फिर से लिखें। यहाँ पर छात्र के माता पिता या अभिभावक को साइन करने होंगे। इस प्रकार यह फार्म पूरा फिल करके स्कूल में जमा करवा दें। स्कूल द्वारा इस फार्म का यह हिस्सा काटकर वह साइन करके रसीद के रूप में आपको वापस दिया जाएगा। इसको लेना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, अब आप इस फाइल में नीचे की ओर आएं। आप देख सकते हैं इसमें राज्य के सभी सहमत स्कूलों में दूसरी से बारहवीं कक्षा में रिक्त सीटों की सूची जिले व खंडवार दी गई है और यहाँ पर स्कूल का मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करके आप कुछ अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। इस लिस्ट अनुसार उस स्कूल का चयन करें जिसमें आप दाखिला करवाना चाहते हैं और स्कूल में यह फॉर्म 8 जुलाई तक जमा करवा दें। अगला प्रोसेस क्या होगा उसकी जानकारी हम आपको वीडियो में पहले ही दे चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो हमने इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, फिर भी इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस योजना से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसकी जानकारी हम आपको जल्द से जल्द अपने अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की जानकारी से संबंधित वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।